सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, फोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपकी आपके चैप्टर का, ये देखो फोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैन बी कम विद दिस पिक्चर, ये देखिए विच फोर्ट वॉज डिमोलिश बेस्टाइल, तो रिकॉग्नाइज करना है आपने बेस्टाइल, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, बेस्टाइल फोर्ट वॉज डिमोलिश, केस स्टडी भी आ सकती है, केस स्टडी आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन है, इसका मतलब क्या है कि वन पैराग्राफ विल बी गिवन एंड आउट ऑफ दैट पैराग्राफ फोर और फाइव क्वेश्चंस विल बी वन फ्रॉम हिस्ट्री एंड वन फ्रॉम ज्योग्राफी, हाँ चैप्टर में से जो पैराग्राफ है वो आएंगे, जो चैप्टर में से पैराग्राफ है उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है बेटा, हाँ जी, डेट ऑफ डिमोलिशिंग ऑफ बेस्टाइल 14 जुलाई 1789, डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789, वाई बेस्टाइल वॉज स्टॉर्म, क्यों इस पैलेस को डिमोलिश कर दिया गया, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक, डेस्पोटिक का मतलब होता है जिसपे कोई क्वेश्चनिंग ना कर सके, डेस्पोटिक रूलर लुई 16th वॉज डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है कि उसकी अथॉरिटीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, दैट्स वाई पीपल दे हेटेड दिस पैलेस बेस्टाइल, क्योंकि इस पैलेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो ये फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब किला था जहां पर आर्म्स एंड एमिनेशन को स्टोर किया जाता था, एंड सेकेंड ये जेल भी थी, प्रिजन था जिसमें जो लोग लुई 16 को अपोज करते थे उनको कैप्चर किया जाता था, एंड दैट्स व्हाई पीपल हेटेड दिस बेस्टाइल फोर्ट, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि आर्म्स एंड एमिनेशन लोगों पर यूज किया जाएगा और लोगों को प्रिजन में डाला जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस बेस्टाइल स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, सो पीपल दे डिसाइडेड टू डिमोलिश दिस। नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 4, इसमें आपका एस्टेट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, एस्टेट सिस्टम, यूनिट ऑफ करेंसी लिप्रे, ओके, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द चर्च क्लर्जी, टैक्स लेविड बाय द चर्च ऑन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ हाँ टाइट, टाइट मतलब 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, ओके, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या था इसमें, टाइट था या टाइल, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो सीधा गवर्नमेंट को देते हैं, इनकम पे लगता है, जैसे बच्चे आपके पेरेंट्स की जो भी इनकम है ना उसका कुछ परसेंट एनुअली वो क्या देते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं एज अ डायरेक्ट टैक्स, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप सारे पे करते हो, सपोज अगर आपने एक बिस्किट का पैकेट भी लिया, आप लेज का पैकेट लेते, 20 रुपीज का लेज का पैकेट है, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सपोज वो 18 का होगा लेकिन 2 रुपीज आपने उस पर क्या दिया, आपको नहीं पता, कमोडिटीज के ऊपर टैक्स होता है वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट, ठीक है, तो इनको भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ते थे, तो बुक के अकॉर्डिंग 2 कमोडिटीज बताई गई है, कौन कौन सी, सॉल्ट एंड ऑपियम, लिखो बच्चा ये कमोडिटीज, नेम द कमोडिटीज ऑन विच दीज पीपल दे हैड टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, सॉल्ट, टोबैको भी कह सकते हो आप, टोबैको मीन्स उस टाइम पीरियड में ड्रग्स के लिए यूज करते थे, मेडिसिन के लिए भी यूज करते थे, सॉल्ट एंड टोबैको, जिनके ऊपर थर्ड स्टेट के लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था, तो कितने तरह के टैक्स हो गए, रिलीजियस टैक्स जिसको टाइथ बोलते थे, डायरेक्ट टैक्स जिसको इनकम, एंड इनडायरेक्ट जो कमोडिटीज के ऊपर दिया जाता था, एंड द बर्डन वॉज ऑन विच स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है, नेक्स्ट है, इन द विच, इन विच ईयर लुई 16 बिकेम द किंग, 1774, डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी, ठीक है, एंड द एज ऑफ किंग व्हेन ही मैरिड मैरी एंटोनियो, कितनी एज थी उसकी, 20 इयर्स, क्वीन का नेम मैरी एंटोनियो, इस तरह से सारा जब भी पैराग्राफ पढ़ते हो ना उसको ऐसे क्वेश्चन बना बना के लर्न करो, ठीक है, देन विद हूम फ्रांस वॉज बिजी विद वॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लुई 16, विद हूम फ्रांस वॉज बिजी विद वॉर, ब्रिटेन एंड, नहीं एक तो पहले आपको आ सकता है ब्रिटेन, ठीक है ब्रिटेन, ठीक है ब्रिटेन लिखोगे, एंड अगर ये क्वेश्चन आता है हेल्प किसको किया उन्होंने, अमेरिका को,
ठीक है, ब्रिटेन तो कॉमन एनिमी हो गया ना, कॉमन एनिमी हो गया। किसका कॉमन एनिमी हुआ? फ्रांस का, ठीक है, और अमेरिका का। और इन्होंने हेल्प किसकी की? अमेरिकन कॉलोनीज की। कितनी अमेरिकन कॉलोनीज थी? 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की। यानी कि ग्रुप में लिख लो, एक तरफ अमेरिका और फ्रांस, और दूसरी तरफ लिख लो वर्सेस ब्रिटेन। और अमेरिका को हेल्प की जिसके कारण फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो गई, एम्प्टी ट्रेजरी। और जब लुई 16th जो है वो किंग बने, ही फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बर्डन था। सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, ओल्ड रेजिम क्या होता है? ओल्ड रेजिम 1789 से पहले सोसाइटी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, उसको क्या बोलते थे? ओल्ड रूल, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड इंस्टीट्यूशन। 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी को क्या बोलते थे? ओल्ड रिजाइन, REGIME। ओके, स्मॉल पीजेंट्स कंसिस्टेड ऑफ विच एस्टेट? थर्ड एस्टेट। लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ठीक है। बिग बिजनेसमैन थर्ड एस्टेट। बिजनेसमैन तो सेकंड में थे ही नहीं, बिजनेसमैन को थर्ड में रखते थे। फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड सोचो नोबल्स एंड किंग्स। मैंने कहा बिग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो थे उस टाइम पर में किसमें थे? थर्ड एस्टेट। नोबिलिटी होती है किंग और मिनिस्टर्स, थर्ड एस्टेट। नहीं बच्चे, नोबिलिटी सेकंड में। फिर से देखो, फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड किंग एंड नोबिलिटी, एंड थर्ड में रिच एंड पुअर। कोई भी है, चाहे वो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, पुअर है, आर्टिसन है, लेबर थे, या डॉकयार्ड वर्कर्स थे बाद में जिन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। हमेशा याद रखो, जैसे हमारे इंडिया में जो किंग थे किसको प्रेफरेंस देते थे? जो उनके रिलीजियस गुरु होते थे। तो इनके गुरु कौन हुए? चर्च पीपल नंबर वन। सेकेंड पे किंग एंड मिनिस्टर्स। थर्ड पे सारे जो कभी कोर्ट में गए नहीं। कोर्ट में कौन होता था? उनके जो उनका जो कोर्ट होता था, ठीक है, चर्च पीपल बैठते थे एक साइड में, और दूसरी तरफ कौन बैठते थे? किंग एंड नोबल। तो ये किसमें आए सारे? थर्ड एस्टेट। प्रिविलेजेस, यहाँ क्लर्जी और नोबल्स किंग के अलावा सारे थर्ड में थे। ठीक है, आपकी बुक में प्रॉपर टेबल देखा हुआ है। इस टेबल के अकॉर्डिंग एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सेकंड एस्टेट में देखो अलग अलग ग्रुपिंग की गई है, तो ये सारे सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। विच ग्रुप वॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस? एग्जम्प्टेड फर्स्ट एंड सेकेंड। सपोज ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, तो व्हाट विल बी द राइट? ओके, एक दिया होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप कहोगे मैम फर्स्ट एस्टेट, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर देना हमें। बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट एंड। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? आपको छूट मिलती है कि आप टैक्स पे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दीज फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट दे एंजॉयड क्या करते थे? प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ। क्लर्जी का बेटा क्लर्जी ही बनेगा, चाहे उसका रिलीजियस इंटरेस्ट नहीं है। नोबल का बेटा नोबल ही बनेगा, चाहे वो कैपेबल नहीं है। किंग का बेटा किंग ही बनेगा, बिकॉज उनका बर्थ जो है वो किसमें हुआ है? किंग की फैमिली। इसको बोलते थे प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ। एंड अगर थर्ड स्टेट में कोई मर्चेंट या बिजनेसमैन फैमिली का कोई पर्सन है जो चर्च में क्लर्जी मैन बनना चाहता है, बट ही वर नॉट अलाउड। जैसे हमारी कंट्री में, इसको अगर हम इक्वलेंट करें तो हमारी कंट्री में क्या था? कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ब्राह्मण सिर्फ पंडित पुजारी जो होते थे वो होते थे। सेकंड नंबर पे क्या था? क्षत्रिय धर्म, किंग सोल्जर्स, ठीक है। थर्ड वैश्य मतलब बिजनेस, वो लोग मर्चेंट से। एंड लास्ट में शूद्रास, जिनको क्या कंसिडर करते थे? अनटचेबल्स, एंड दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। एंड दीज शूद्रास वर नॉट अलाउड ऑन पब्लिक प्लेसेस। और अगर उनको, जो पंडित जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे, उनके पब्लिक प्लेसेस पे चले भी जाते थे, तो उस टाइम पर में अनटचेबिलिटी का मतलब होता है उनको देखना और उनका उनका टच करना तक सिन समझते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी।
इसलिए उनके क्रिमेशन ग्राउंड भी लग होते थे, टेम्पल्स भी लग होते थे, और पब्लिक प्लेसेस लाइक जहां से वो पानी लेते हैं, वेल्स, वो भी अलग होते। तो इतना उस टाइम पर में डिस्क्रिमिनेशन था इनके साथ। सेम जैसे आपने ये कहाँ पे पढ़ा है, साउथ अफ्रीका में क्या पढ़ा आपने, अपार्टहाइड पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, व्हेन बेसिक थिंग्स फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथ एंड शेल्टर इज इन डेंजर, इट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। ऐसे डेफिनेशन और उसका वर्ड याद रखो। और अल्टीमेटली इन फ्रांस 23 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम 1715 टू 1718। तो बच्चे जहां पे भी ईयर है ना उसको अंडरलाइन करके ना उसको याद करो, एनी क्वेश्चन कैन कम। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है इसमें आपने बतानी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में मेन आपको याद रखना है फिलोसोफर्स और उनकी बुक्स। नंबर 1 जॉन लॉक, जॉन लॉक, 2 ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने क्या किया, 2 ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ आपने एक लाइन में उसकी आइडियोलॉजी याद रखो कि अल्टीमेटली जॉन लॉक का बुक लिखने का मोटिव क्या था, दैट ही अपोज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। डिवाइन यानी कि उसने ये कहा कि जो किंग है, किंग चाहे सही है चाहे गलत, उस टाइम पर में आप किंग को किंग गलत नहीं कह सकते थे, ठीक है। लेकिन इसने कहा, जॉन लॉक ने ये कहा कि डिवाइन, डिवाइन का मतलब ये नहीं किंग भी गलत हो सकता है, और अगर किंग गलत है तो दैट कैन बी चेंज। लेकिन उस टाइम पर में लोग सोचते थे कि रिलीजन के अगेंस्ट है, किंग तो कभी गलत होता ही नहीं है, किंग जो कहता है वो लॉ है। तो उस टाइम पीरियड में लोगों को साइकोलॉजिकली जो है वो जो डायनेस्टीज होती थी वो इस तरह से लोगों को दबाती थी, और मन चाहे जो है एक्सप्लॉयटेशन या टैक्सेस लगाकर लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता था। सेकेंड इज मॉन्टेस्क्यू, नेम द बुक रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है, गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट शुड बी डिवाइड बिटवीन और ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीन ऑर्गेन्स याद रखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड जुडिशरी कौन है, जजेस। लेकिन अर्लियर बिफोर 1774 लुई 16th वाज लेजिस्लेचर, वही लॉ बनाता था, वही इम्प्लीमेंट करता था और वही जज था, ठीक है। तो एट दैट टाइम पावर्स वर इन सिंगल हैंड्स, सो दैट्स व्हाई पीपल दे वांटेड टू चेंज दिस सिस्टम। और मॉन्टेस्क्यू ही सजेस्टेड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स, ताकि हर ऑर्गन अपना अपना काम करे और ये एक दूसरे को इंटरफेयर भी ना करे और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड बुक, रूसो ही रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सपोज एक साल के लिए, दो साल के लिए। लेकिन उसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट होती है ना, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें हम कुछ साइन करके नहीं देते। हम जिसको चुनते हैं, हम जिसको वोट देते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि हम आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि 5 साल के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम ये चेंज कर देंगे। हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, राइट टू वोट। हमारे पास सिर्फ एक ही वेपन है, 5 साल के बाद उनको हमारी याद आती है, लोगों मतलब जो मिनिस्टर्स हैं, कि हाँ जी ये चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, 5 साल तक ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपके अंडर हैं, दे आर आंसरेबल। बीच में अगर इलेक्शंस होंगे तो बीच में कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस रूसो ने ये कहा था कि गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। लोग हम हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारे लीडर्स, ठीक है। और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉ नहीं बना सकते, अच्छे लॉ नहीं बना सकते, देन वी हैव द पावर टू चेंज। एंड आप ये सोचो कि इस टाइम पर में इन फिलोसोफर की बुक्स का बाद में कितना असर पड़ा, कि सभी कंट्रीज ने धीरे धीरे मोनार्की सिस्टम को छोड़कर इनकी थॉट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। एक और थे वोल्टेयर, इनकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। ही आल्सो रिफ्यूज टू इंटरफेयर द चर्च इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये कहा कि किंग के कोर्ट में चर्च पीपल की जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चर्च पीपल की जगह सिर्फ चर्च में हो और किंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल अफेयर्स देखे, चर्च की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, पेज नंबर 8। ये हमने
इसके बाद सारा बताना है कि रीजन क्या है एस्टेट जनरल की मीटिंग। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट ईयर, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ईयर 1614 क्या हुआ था? लास्ट मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल 1614 में बहुत सबसे पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग में लुई 16 नहीं था, उसके फोर फादर्स थे। एंड फोर फादर मतलब उसके पूर्वज, जो उसके पुराने एंसेस्टर्स होंगे, ठीक है। हाँ इसको लगा फोर FOUR, दैट इज फोर फादर। फोर फादर मीन्स एंसेस्टर्स, पूर्वज जो उससे पहले किंग थे, ठीक है। ईयर कौन सा? 1614। अब किंग लुई 16th ने एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो असेंबली क्यों बुलाई? क्योंकि ट्रेंड क्या था कि किंग अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ता था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। लेकिन पुराने टाइम में होता क्या था, जो किंग कहता था वो ऑर्डर मान लिया जाता था, कोई उनको डिसओबे नहीं करता था। तो किंग को इस बार भी ऐसा ही लगा कि थर्ड एस्टेट तो ऑलरेडी बर्डन में है, कुछ और टैक्स लगा देंगे तो शायद इंक्रीज हो जाएगी ट्रेजरी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बार क्या होने वाला। तो दैट इज अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल। डेट इंपॉर्टेंट डेट, कौन सी डेट को ही? डेट नोट करो प्रॉपर, 5 मई 1789। वाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज लुई 16 ही कॉल्ड असेंबली ऑफ एस्टेट जर्नल। ओके हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वर इनवाइटेड? 300 फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड 300, थर्ड 600, टोटल कितने हो गए? 1200। बहुत ध्यान से सुनो आप, टोटल हो गए 1200। वोटिंग क्राइटेरिया क्या था? वन स्टेट वन वोट, वन वन वन। तो ऑप्शन क्या बनता? 2:1। टू में कौन आता? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। वन में तो मेजोरिटी किसकी होती? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। This time these people they wanted that ये तो satisfied थे, ये भी satisfied थे, ये satisfied नहीं थे। इन्होंने क्या डिमांड किया? That अगर 600 है तो voting कितनी होनी चाहिए, वोट भी कितने होने चाहिए? 300 और 600। मीन्स इन्होंने ये कहा that equality should be given and each person should be given voting right। अब किंग को ये हैरानी होगी कि अगर थर्ड स्टेट के लोग सभी वोटिंग राइट मांगेंगे एस्टेट जनरल के लिए, तो जब वो नए टैक्स लगाने का प्रपोजल जो है वो लगाएगा, तो मे बी 600 के 600 अगर लोग सारे इसके अगेंस्ट हो गए तो क्या होगा? 1:1 हो गया फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, और ये क्या है? सेकंड थर्ड एस्टेट, क्योंकि इसके कितने हैं? 600। तो प्रपोजल पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेजोरिटी चाहिए प्रपोजल पास करने के लिए। सो किंग ने क्या कर दिया? ही रिजेक्टेड द प्रपोजल टू चेंज वोटिंग क्राइटेरिया। एंड व्हेन दीस पीपल थर्ड एस्टेट दे गेव मैसेज, उनको जी मैसेज मिला कि किंग वोटिंग राइट नहीं चेंज करेंगे, देन दे केम आउट ऑफ द असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? वॉकआउट कर, वॉकआउट कर देना। वॉकआउट का मतलब बिना किसी डिसीजन, बिना किंग की परमिशन के असेंबली से बाहर आ गए। हाँ एंड दैट वॉज अ बिगेस्ट इंसल्ट ऑफ द किंग, कि किंग की जो है परमिशन के बिना वो बाहर आ गए। अब बाहर आके उन्होंने क्या किया? पैलेस के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन कह लो, टेनिस कोर्ट था, दे गैदर देयर एंड दूर दूर से लोग उन्होंने उनको ज्वाइन किया, ठीक है। एंड 5 मई के बाद सभी लोग, जैसे हम कहते हैं कि लोगों ने इकट्ठे होकर जो है किंग के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई, एंड देन दे डिक्लेयर देमसेल्व एज नेशनल असेंबली। और उन्होंने एक ऑथ ली, ऑथ का मतलब होता है प्लेज लेना, कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर किंग नहीं बनाएंगे तो हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएंगे। एंड दिस डेट वॉज 20 जून, और इसको क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट ऑथ, यानी कि जब नेशनल असेंबली में टेनिस कोर्ट ने के बीच में इकट्ठे होकर लोगों ने ऑथ ली, इसको क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट ऑथ। किस चीज की ऑथ ली? नॉट टू डिस्पर्स वेन एवर दे विल प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक वो उस कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। एंड नेशनल असेंबली को सपोर्ट किसने किया? दो लीडर्स के नेम, मिराबियू एंड एबेसिए। मिराबियू कहां से बिलोंग करते थे? नोबल फैमिली, ये भी राइट डाउन। टू विच एस्टेट मिराबियू बिलोंग?
Second estate, nobility. To which estate Abbasiyya belong? First. But why they supported them? They were in favor of third estate because they had a soft corner for these people. ठीक है, वो no doubt बहुत rich थे, उनके पास वो privileges थे, but still they were declared as the leader of National Assembly. ठीक है, इसके बाद National Assembly busy होगी constitution बनाने में. दूसरी तरफ विलेज एरियाज में फार्मर्स को बहुत परेशान किया जा रहा था. दे वर कंपेल्ड टू पे द मोर टैक्सेस. टाइड वाज देयर, टाइल वाज देयर. एंड उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 20th जून मैंने आपको डेट बताई, टेनिस कोर्ट. और जून के बाद एक मंथ में ही प्लानिंग की गई बेस्टाइल को डिमोलिश करने की. एंड 14 जुलाई 1789 पीपल दे अटैक्ड ऑन पैलेस ऑफ वेस्टाइल एंड डिमोलिश द पैलेस. उसके बाद क्या हुआ, किंग ही गॉट स्केयर्ड. उसको ये लगा कि उसके तो और भी पैलेस हैं. एक बेस्टाइल को डिमोलिश कर दिया, दो पैलेस और थे, पैलेस ऑफ वर्साए एंड पैलेस ऑफ टुलेरिस. पैलेस ऑफ वर्साए में वो खुद रहते थे नॉबल्स और फैमिलीज के साथ. देन ही गॉट स्केयर्ड एंड ही गेव लीगल रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली. जैसे हम कहते हैं ना कि जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए उनको लीगल जो है वो असेंबली बना दिया, और वो इसी से ही खुश हो गए और वो क्या बनाना शुरू हो गए कंट्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस तो बहुत लंबा था, इसको 2-3 साल लगने थे. लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम को कैसे सेटअप जो है वो किया जाए, लोगों को सेटिस्फाई किया जाए, तो असेंबली और किंग ने मिलकर एक ऑर्डर पास किया जिसको बोलते हैं डेक्री. डेक्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर. रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर मतलब डेक्री. और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4 अगस्त को ये डेक्री पास की गई थी. राइट डाउन डेट, 4 अगस्त 1789. एंड लोगों को क्या सरप्राइज मिला, एस्टेट सिस्टम वॉज डिमोल एबॉलिश. एस्टेट सिस्टम वॉज एबॉलिश. क्या क्या एबॉलिश कर दिया, एस्टेट सिस्टम एबॉलिश कर दिया, फ्यूडलिज्म एबॉलिश. फ्यूडल टैक्स होते थे. फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पीरियड में किंग जो है वो कुछ फ्यूडम को अपॉइंट करते थे टैक्स लेने के लिए, और ये फ्यूडम जो थे लोगों को एक्सप्लॉइट. जैसे आज के टाइम पर में अगर हमने इनकम टैक्स पे करना है तो हम बैंक में जाके पे करेंगे, कोई मिडल मैन थोड़ी है हमारे बीच में. तो दीज फ्यूडल्स, फ्यूडम्स मतलब जो है मिडल मैन, जो लोगों के घर घर जाकर उनसे टैक्स लेते थे, और अगर लोग टैक्स नहीं देते थे, देवर गिवन पावर टू बीट ऑल्सो. उनको मारा भी जाता था, उनकी लैंड भी ले ली जाती थी, और इसीलिए लोग इस जो फ्यूडल सिस्टम था इसे हेट करते. लेकिन किंग ने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, एबॉलिश. और क्या एबॉलिश कर दिया, प्रिविलेजेस बाय बर्थ. जो भी उस टाइम पर में बर्थ के प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म कर दिया. एंड आप खुद सोचो कि इस टाइम पर में टाइड भी खत्म हो गया होगा, टाइल भी खत्म हो गया होगा, तो लोग कितने खुश हुए हो इस ऐसे सिस्टम में, जिस सिस्टम में तीनों स्टेट्स जो है वो सिस्टम खत्म कर दिया. अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेशनल असेंबली ने फिर से लोगों को डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट्स में, सिटीजंस को डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, और गवर्नमेंट के पास कितनी मनी इकट्ठी हुई, चर्च से अनलिमिटेड लैंड, जितनी भी चर्च के पास अनलिमिटेड मनी थी, more than 2 billion libre. तो आप खुद सोचो कि लुई 16 की ट्रेजरी एम्प्टी थी, लेकिन चर्च पीपल के पास कितनी मनी थी. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जब इनक्वालिटी खत्म हुई, देन जो ट्रेजरी थी वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू हो गई. अब आ जाओ नया सिस्टम जो था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ईयर में पास हुआ, 1791. कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, रेवोल्यूशन हुआ 1789 89 to 90 90 to 91. अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन्स जो थे उनको टैक्स के बेस के ऊपर डिवाइड कर दिया. इसका मतलब अभी भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किनको फेवर कर रहा था, किनको फेवर कर रहा था, रिच पीपल. फर्स्ट सेकंड भूल जाओ, फर्स्ट सेकंड को भूल जाओ, किसको फेवर करता था, रिच पीपल. एंड सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव में कौन होंगे, 25 से ज्यादा, अबव 25 अबव मेल ओनली. ठीक है, एंड पैसिव में कौन, ठीक है, बिलो 25 मेल एंड ऑल फीमेल, ऑल वुमेन, ऑल वुमेन चिल्ड्रन, उनको कर दिया पैसिव. पैसिव का मतलब वो कोई रोल नहीं है,
क्योंकि ना वो काम करेंगे ना वो टैक्स पे करेंगे, और अगर काम करते भी हैं तो उनको काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। एंड अगर मेल है 25 से नीचे है, टैक्स नहीं पे करते हैं, तो उनको बोल दिया पैसिव, यानी कि ये लोग राइट टू वोट नहीं, वोट ही नहीं यूज कर सकते। वोटिंग राइट सिर्फ किसको दिया? एक्टिव को। पर ये भी डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, ये किसको वोट करेंगे? इलेक्टर्स को। अब ये इलेक्टर कौन है? हाईएस्ट टैक्स पेयर। सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगा ना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो वो क्या बन सकता है? इलेक्टर, हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो आप खुद सोचो कि इलेक्टर कौन होंगे उस टाइम पीरियड में? बिग बिजनेसमैन, बिग मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स, ठीक है? तो जितने भी रिच पीपल होंगे वो इलेक्टर्स बन गए। अब ये इलेक्टर्स आगे किसको वोट करेंगे? नेशनल असेंबली। पहली बार जब 1791 में इलेक्शंस हुए तो टोटल कितने मेंबर्स? 745। ये 745 कौन है? जैसे हमारे एमपी, हम जिनको कहते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नेशनल असेंबली के क्या थे? 745 मेंबर्स। अब ये किस पे कंट्रोल करेंगे? किंग एंड नॉबल्स। ये हो गए लेजिस्लेचर। हाँ जी, इधर देखो, ये हो गए लेजिस्लेचर, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। एक और सिस्टम जो है वो रखा गया, एक्टिव सिटीजंस कैन वोट फॉर जज जुडिशियल। क्लियर? तो यहां तक हमने क्लियर किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, आफ्टर दैट गोइंग टू एंड विद।